हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम के लिए लेकर आए हैं RPF एनसिलरी कांस्टेबल का एक्सपीरियंस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक्सपीरियंस वीडियो हो जाएगा 46th, और आज का अनुभव यानी कि आज 6 अक्टूबर आज का क्या अनुभव रहा, वही हम आज आपको चर्चा करने वाले हैं। और आज का आपको बताने वाले हैं कैसे जो पास हुए बच्चे होते हैं वो सबसे अलग दिखाई देते हैं, कैसे उनका पहले से ही पहचान हो जाती है, एग्ज़ामिनर कैसे आपको पहले ही नज़र में पहचान लेता है कि आप जो है सिलेक्टेड हैं और आप जो है अनसेलेक्टेड है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मुझे यही मैसेज किया कि सर वहाँ पर एग्ज़ामिनर अपने मूड से सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, कितना भी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना भी आप अच्छा खाना बना लीजिए सर, पर वहाँ पर जो है एग्ज़ामिनर पता नहीं कैसे पहले से डिसाइडेड होते हैं कि इन्हीं बच्चों को पास करना है। तो आज हम सब कुछ आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे इस वीडियो के अंदर, साथ ही बताएंगे आपको एक्सपीरियंस वीडियो आज का, और उसके बाद हम जो है आपके क्वेश्चंस आंसर का जवाब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है तो उसकी नोटिफिकेशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक यानी टिल पूरी अपडेट जो है आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पर मिल जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि हमेशा मैंने डॉक्यूमेंटेशन से ही स्टार्ट किया, तो आज भी डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्हें भी जो ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाव पत्र मिला है और जितने लोग जाने वाले हैं उन सभी के लिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता दूँ कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होता है एडमिट कार्ड, यानी कि किसी भी एग्जाम को आप जाने हैं तो आपको उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना अनिवार्य होता है। यानी कि आपको एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप उस एग्जाम में बैठ नहीं सकते, अवेलेबल नहीं हो सकते। तो ये सबसे पहली चीज़ आप क्या रखिए कि आप अपने एडमिट कार्ड का 2 प्रिंटआउट ले लीजिए, यानी 2 जेरोक्स करा सकते हैं। तो 2 चीज़ जरूर रखिएगा, क्योंकि कभी भी सिंगल कॉपी के भरोसे मत जाइए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स कि हमारा हॉल टिकट हमसे मिसमैच हो जाता है, घूम जाता है। तो आप हमें हमेशा जो है प्लान बी के तहत एक अपना एडमिट कार्ड जो है अपने पॉकेट में या फिर अपने पर्स में या फिर अपने बैग में कहीं ना कहीं एक जो है कैरी कर लीजिए कि हाँ मैंने 2 लेकर आया हूँ घर से, एक अगर मुझसे बाई चांस घूम भी जाता तो एक मेरे पास सेफ्टी के लिए रहेगा। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 की बात करें तो 10+2 यानी कि जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं का आपके पास मार्कशीट होना जरूरी अनिवार्य है, और उस मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ आपके हॉल टिकट में है। यानी कि अगर दोनों के डेट ऑफ बर्थ मैच होते हैं तभी जो है आपका वो मान्य होगा, अदरवाइज अगर आपका दोनों में मिसमैच होता है तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, वहाँ पर मौका कुछ नहीं दिया जा रहा आप सभी को। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं तो नंबर 3 पर आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है हमारा क्या, जाति प्रमाण पत्र, चाहे वो SC ST OBC कोई भी हो, आपको जो है आपका जो है डेट देख लेना होना अनिवार्य है। क्योंकि OBC वालों के लिए आपको पता है कि डेट्स होता है, अगर आपका जो एक्सपायरी डेट के आसपास में है तो आप पहले से एप्लीकेशन देके एक अर्जी करके जो है वहाँ से एक लेटर प्राप्त कर लीजिए कि सर मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, और जब आपके पास वो रिसिप्ट मिल जाएगी तो आप वही लेकर जाइए, वहाँ पर अवेलेबल रहिए, और अपने पुराना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ स्लिप के भरोसे जाएंगे और आपको उससे पूछा जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी कभी था या नहीं था, वो दिखाना अनिवार्य है वहाँ पे। अब बात करें तो सेंट्रल फॉर्मेट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट की, तो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट हो, फिलहाल के लिए तो आपको जो है लेके जाने के लिए अनुमति है, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बट टिल ऑफ द जॉइनिंग यानी कि जॉइनिंग के समय तक आपके पास जो है सेंट्रल का फॉर्मेट होना चाहिए। सेंट्रल का फॉर्मेट आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके वहाँ पे फॉर्मेट चेकआउट कर सकते हैं कि आपका कैसे कैसे जो है फॉर्मेट है। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको हो जाता है 2 पासपोर्ट टाइप फ़ोटो, जी हाँ दोस्तों, रंगीन में फ़ोटो आपका होना चाहिए, हाल ही में खींचा होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा ट्रेड सेंटर पे पहुँचने की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आपकी व्यवस्था कैसी है आपको पता है, वेस्ट बंगाल में आपको जाना है। काफ़ी स्टूडेंट बिहार से हैं, यूपी से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, भोपाल से हैं, जहाँ जहाँ से भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है अपना, वो ग्रुप सी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आसनसोल और जो है हावड़ा में सेंटर गया है। तो जब इतना लंबा सफ़र करना है तो आपको ऑलरेडी एक दिन पहले वहाँ पे विजिट करनी होगी। सेम डेट पे आप सोच रहे होंगे कि 5 बजे से अगर मैं ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो मैं ऑलरेडी जो है 3 बजे 4 बजे रात को पहुँचूँ तो वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपकी बॉडी जो है थक जाती है, और जब आपकी बॉडी थक जाती है तो आपका माइंड थक जाता है, इन सब चीज़ों में आप जो है पूरी तरह से कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब की कितनी वैल्यूबल है, यानी कि आपको पता है इसकी कितनी वैल्यूता है कि आपको उस पाने के लिए कितनी मेहनत की है आपने, तब जाके आप इस मुकाम पर पहुंचे। और एक दिन जाने से पहले कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपका एक दिन के दिवस आपका एक दिन का खर्चा बढ़ जाएगा, यानी एक दिन का अगर आपको 300 रुपये रूम का भाड़ा है तो 300 रुपये प्लस हो जाएगा, 100-150 रुपया 200 खाने का जोड़ लीजिए। यानी एक दिन के आपके से पहले जर्नी करने से आपको सिर्फ ये बेनिफिट होगा कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रहेगी, माइंड पूरा रिलैक्स रहेगा कि हाँ मैं अपने सेंटर पर पहुँच चुका हूँ और मुझे सिर्फ सुबह जाके उठना है और जो है अपने सेंटर पर पहुँच जाना है, वहाँ पर जो आपसे काम दिया जाएगा आपको उसको करना है। ये सभी चीज़ें मैं गुड़ जो बता रहा हूँ ये सब पास हुए स्टूडेंट से सीख कर, जो यानी कि जो उन्होंने मुझे बताया, एक्सपीरियंस शेयर किया। काफ़ी स्टूडेंट्स का जब पास हुए स्टूडेंट का जब एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ तो इसलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ।
कि आपको पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व करना है, उनकी अच्छी चीज़ों को, जैसे कि उन्होंने बताया आपने कि वो एक दिन पहले पहुँचते हैं तो आप भी एक दिन पहले पहुँचिए। अब नंबर आ जाते हैं हमारे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जो आप यहाँ पे अपने सेंटर पे पहुँच गए उसके बाद का क्या स्टेप है। आपके बाद का स्टेप ये होता है दोस्तों, आपको जो है अपने सेंटर पर पहुँचने के बाद वहाँ पर जो है आपको लाइन लगाई जाएगी इस प्रकार। जी हाँ दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार सभी को जो है एक लाइन से खड़ा कर दिया जाएगा। लाइन खड़ा होने के बाद जो 300-400 का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वहाँ पर प्रेजेंटी होती है, इतने बच्चे जो आए होते हैं उनको क्या किया जाता है, बैच में डिवाइड किया जाता है, यानी 1 से लेकर 20 तक आपको गिनती गिनने के लिए कहा जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 20। उसके बाद 1 बैच, फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट है 20, फिर नेक्स्ट 20, इस प्रकार जो है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी कंटिन्यूसली जितने स्टूडेंट रहेंगे उस बैच में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। जब आप डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हो जाता है आपको बैच वाइज बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बैच नंबर 1 को प्रेजेंट बुलाया जाएगा और बैच नंबर 1 को क्या किया जाएगा, रोटी बनाने के लिए कहा जाता है। आपको टाइम की कोई सीमा नहीं है, यानी कि इतना भी नहीं दोस्तों, लगभग 10-15 मिनट का समय दिया जाता है रोटी बनाना है प्लस आटा गूंदने के साथ, यानी कि आपको आटा भी गूंदना है उसी के बाद उसका जो है रोटी बनाना है। तो मैं आपको आटा गूंदने के लिए बता दूं कि लगभग आपको 100 ग्राम आटा जो है अप्रोक्सीमेटली जो है आपको दिया जाता है, थोड़ा पानी आपको मिक्स करके उसको अच्छी तरह से गूंदना है और अच्छी तरह से जितना गूंदेंगे उतने अच्छे आपकी मुलायम रोटी बनेगी। रोटी के भी ज़्यादा डिपेंड है, आप सभी को पता है, काफ़ी वीडियो देखे होंगे आपने, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कुछ निभा रहा है तो वो है आपका फर्स्ट राउंड जो है आपका रोटी बनाना, यानी आपने अच्छी रोटी बना ली, अच्छी रोटी फुला ली, उसके बाद जो आपका कांस्टेबल आपके पीछे खड़ा होगा। मैं आपको बता दूं डीप में कि आपको जो है वहाँ पे 2 चूल्हा रहेंगे आपका एक साथ, वहां पे 2 स्टूडेंट्स खड़े होंगे, उनके पीछे कांस्टेबल खड़ा होगा जो आपको एग्जामिन करेगा कि आप कुछ बेईमानी या फिर कुछ गलत तरीके अपना तो नहीं रहे। उसके बाद आपका जो है एक सीनियर वहां पे बैठा होगा दूर थोड़ा, तो ये जब आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ सर इनका कंप्लीट हो गया है, तो वो सीनियर वहां से उठेगा, वो खुद आपके जो है टेबल के पास आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है अपने डिश को। फिर वो रोटी को क्या करता है, अच्छी तरह से देखता है, चेक करता है अच्छी तरह से कच्ची है कि पक्की है, उसके बाद उसको बीच में से तोड़ देता है, यानी फुली होने के बाद आप उसको फोड़ते हैं। उसके बाद वो अंदर हाथ से उसको प्रेसिंग करता है, प्रेसिंग करने से दबाव करता है, महसूस करता है कि कच्चा है या रोटी पक्का है। तो पूरी तरह से आप जो है निश्चिंत हो जाइए, अच्छी तरह से आप रिलैक्स होकर बनाइए अपने चेहरे पे जो है कॉन्फिडेंस, जो सबसे बड़ी चीज़ मुस्कान होती है, आपके चेहरे पे एक मुस्कान बनाए रखना है दोस्तों आपको। आप सभी को पता है कि 400 में से 300 में से सिर्फ 10 से 15 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, लेकिन जो ये 280-290 स्टूडेंट जो घर वापस जाने वाले हैं दोस्तों, उन सभी के चेहरे पे एक उदासी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से बच्चों का जो सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल ये भी निभाता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये एग्जामिनर आपको जो है फाइंड आउट कर लेता है, यानी कि आप नर्वस हैं, आप चिंता में हैं, ये चीज़ जो है एग्जामिनर को दिख जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि सर इन्होंने पहले से बना रखा था कि सामने वाले स्टूडेंट्स को जो है सेलेक्ट करेंगे उनको नहीं करेंगे। आपकी भी रोटी पक्की है, उनकी भी रोटी पक्की है, आपका भी जो है भाजी अच्छी बनी है, उनका भी भाजी अच्छी बनी है, यानी आपका भी दाल अच्छी है, उनकी भी दाल अच्छी है, यानी सब कुछ अगर अच्छा है तो फिर आप दोनों में से क्या डिफरेंस है जो एक बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाता है और एक बच्चे को नहीं किया जाता, वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके चेहरे के ऊपर, जो आपकी मांसपेशियां यानी आपका जो रिएक्शन है आपके चेहरे पर, जो स्माइल का जो आना चाहिए वो नहीं होता है, आप निश्चित चेहरे से जो है नर्वस हो जाते हैं, और वही जो सामने वाले स्टूडेंट्स होता है वो जो होता है कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो आपके कॉन्फिडेंस पे यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं और आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो कुछ इसी प्रकार का जो है एक अलग सी पहचान जो बना लेते हैं ये पास हुए जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी यही खासियत है कि उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, वो होती है उनकी कॉन्फिडेंट की कि हाँ मैंने अपने काम को अंजाम दिया है। तो ये चीज़ आपको अपने मन में गांठ बांध के रख लेनी है दोस्तों कि आपको भी जो अच्छी तरीके से अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, अपने तरफ से जो है 100% कोशिश कीजिए, जो होना है होकर ही रहेगा दोस्तों, आपको नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड कि आपने रोटी बना लिया, आपने अपने काम को कर दिया, उसके बाद आप जब पास हो जाते हैं तो सेकंड राउंड में आप आते हैं। सेकंड राउंड में आपको दिया जाता है सब्जी सलाद। जी हाँ दोस्तों, 2 चीज़ें दी जा सकती हैं, या तो सब्जी या तो सलाद। अगर सब्जी दिया जाए तो आपको लौकी की सब्जी बनाने को दी जाती है, समटाइम्स आपको बैंगन की सब्जी, कहीं पालक की सब्जी, कहीं मेथी की सब्जी, ये सारी चीज़ें आपको देखिए अपडेट के साथ चेंजेस होती रहती हैं, जो उनके पास अवेलेबिलिटी है, यानी कि अगर उनके पास पालक की मात्रा ज़्यादा है तो पालक की सब्जी बनवाते हैं, अगर उनके पास बैंगन की मात्रा ज़्यादा आई तो बैंगन की सब्जी बनवाते हैं, क्योंकि उनके पास भी रोज के इतने 300 बच्चों के लिए अगर एक्सपेरिमेंट के लिए इतनी सब्जियां वेस्ट है तो वो करेंगे नहीं, तो जो सब्जियों की जो है अवेलेबिलिटी ज्यादा है वही सब्जी आपसे जो है वहां पे बनवाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है आपको अच्छी तरीके से सब्जी को पहले धोना है, धोने के बाद उसे काटना है, पहले काट के धो मत दीजिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें जो है स्टेप वाइज होती हैं, आप सभी को पता है विटामिन घुल जाते हैं पानी में, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं वो आप ध्यान से नहीं देखते, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटने लगते हैं और आपको सीधा फाइनल में जाने से रोक लिया जाता है, यानी कि आपको फेल कर दिया जाता है। तो इस चीज़ें आप जो है सलाद भी आपको दिया जाएगा, जब आप ये राउंड भाजी वाला पार कर लेते हैं, अच्छी तरह से भाजी पका के उसका नमक वगैरह जो भी स्वाद अनुसार डाल के मसाला की रेसिपी, मैं आपको रेसिपी नहीं बता सकता क्योंकि अभी फिलहाल वीडियो लंबा हो जाता है, हम रेसिपी के लिए अलग से ऑलरेडी वीडियो बनाते हैं, तो आप एक अच्छी रेसिपी पढ़ लीजिए, जो भी बैगन की सब्जी बनाना
सूखी सब्जी, गीली सब्जी, लौकी की सब्जी, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अपडेट करनी है, यानी करनी है वहाँ पे उनके सामने कि आपको जो है खाना बनाने का पूरा मास्टर्स है, यानी कि आपको पूरी तरह से आप तज्ञ हैं। आपको जितना अच्छा नॉलेज है आप अपना एक्सप्लेन कीजिए, अपने जेंडर की जो एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ हैं यानी कि जो अपने एक्स्ट्रा स्किल हैं वो भी दिखाइए। आप बात बात में अपने बताते रहिए कि हाँ सर मैंने ये भी किया था, ये भी किया हूँ, ये डिप्लोमा किया हूँ मैंने, किसी ने ITI किया है सर मैंने, इसकी मास्टर्स किया हूँ कि मैंने BA किया है। आपके अंदर जो भी एक्स्ट्रा है वो सब कुछ बताइए। एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट कितना ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हो, कितना अच्छा हो, इन सभी में से अच्छा हो तभी जाके हम उनका सिलेक्शन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का रहा आज का अनुभव, जो है काफ़ी खट्टा मीठा रहा दोस्तों, क्योंकि आज भी जो है सिलेक्शन बहुत कम ही हुआ, 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, बैच जो नंबर 3 गई थी। तो वहाँ से दोस्तों आप सभी के लिए यही अपडेट आज मैं लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बट कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं आपके मन में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट हमसे वहाँ पे पूछिए, जो भी आपके क्वेश्चन है हम वहाँ पे आपको उसका आंसर दे देंगे। तो मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।